कृपया ध्यान दीजिए, दिल्ली मुरादाबाद के रास्ते अब अक्सर मेरा नाम फरजाना है, मेरी उम्र 32 साल है। मेरा नाम दीपा है, मैं 24 साल की हूँ। आप कब से काम कर रही हैं? जी हम 13-14 साल के थे तब से, अगर बगल में चिकन का कुछ वही था सेंटर, सब बनाते थे तो हमको भी देख के अच्छा लगता था तो हम भी सीख गए तो बनाते थे धीरे धीरे। फिर बनाते बनाते तो अच्छा काम आने लगा हमको बनाना, तो फिर थोड़ा बहुत जैसे मंगा लेते थे तो घर में थोड़ा बहुत बना लेते थे चिकन का। ऐसी अम्मी तो मना करती थी कि काहे बना रही हो, वो हम लोग शौक में बना लेते थे। फिर मेरी शादी हो गई तो फिर छोड़ दिया। फिर अब टाइम रहता था तो हमने सोचा कि लो फिर से चिकन का थोड़ा काम करें, टाइम पास भी होगा और थोड़ा खर्चा भी निकलेगा, बच्चों के काम आएगा। हम तो 15 साल के थे जब से हमने शौक लिया, ना पढ़ाई करते थे। इस ये ना मेरी एक फ्रेंड थी, उन्होंने ना एक सेंटर बताया तो वहाँ हमने ना ये शौक लिया, मैंने सीखा। फिर उसे वहीं करते करते हैं ना, फिर वहीं मैंने सेंटर में काम करने लगे। फिर उसके बाद मैंने ना बुटीक में काम किया गंज में। फिर उसके बाद मेरी शादी हो गई, 8 साल मैंने काम किया। उसके बाद मेरी है ना शादी होगी, 2 साल मेरे शादी को हो रहे हैं। उसके बाद है ना मैंने छोड़ दिया था शादी के बाद। फिर है ना हस्बैंड से मैंने कहा मैं फिर काम करना चाहती हूँ, मुझे करने दीजिए, थोड़ा है ना पैसे आएंगे, थोड़ा है ना घर की थोड़ी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी। चिकन में काम बनता है, हाथ से बनता है चिकन का। एक मशीन का काम होता है, जो मशीन से बनता है वो ओरिजिनल नहीं होता है। और चिकन की कढ़ाई जो होती है वो हाथ से बनती है, वो चिकन की कढ़ाई होती है। और सरकार ने GI का सर्टिफिकेट दिया है, जिसके पास GI का सर्टिफिकेट है आप वहीं से लीजिए, उसी वही चिकन असली या ओरिजिनल होती है। और जो मशीन की कढ़ाई होती है वो ओरिजिनल नहीं होती। हमारा नाम पुष्पा देवी है। माँ बाप गरीब थे, पढ़ाया नहीं, ससुराल आए तो वहाँ वही खाना बनाओ, घर का काम करो, बस यही। उसके बाद ये पकड़ लिया, 20 साल हो गए। हमको अच्छा लगता काम करने में, हमको बहुत अच्छा लगता। देखो काम ले जाते हैं, बनवाते भी हैं, बनाते भी हैं, तो हमको बहुत इसमें आनंद है। मेरा नाम सीमा है, मैं यहीं पास के गांव में बस्ती धनवा में रहती। मैंने कढ़ाई 12-13 साल की उम्र में सीखी है और हमने अपनी अम्मी से सीखी कढ़ाई। मेरी अम्मी को नहीं आता था, मेरी अम्मी जो है पास पड़ोस में देखी तो थोड़ा बहुत उनको भी आने लगा, उनसे हमने सीखा। और मेरी अम्मी को इतना अच्छा नहीं आता था लेकिन हमें और अच्छा आने लगा। हमें मतलब सारे टाँके, जितने 32 टाँके होते सारे आते हैं। 12 साल की उम्र से कढ़ाई कर रहे हैं हम। जब से हमने इसको करना शुरू किया बहुत बदला हमने अपने घर को। हमने अपनी एक बहन और एक भाई की शादी करी इसी से। हमें हम तो जब कोई मोबाइल पे सीरियल वगैरह कुछ देखते, अगर चिकन की कढ़ाई कोई पहने होता है बहुत खुशी होती है उसको देख करके कि हाँ ये हम लोग की, चलो लखनऊ की कढ़ाई है, लखनऊ की कला है। और जो है इसको पहनते हैं अच्छा लगता है, खुशी महसूस होती है। एक कपड़े को तैयार करने में कितना वक्त लगता? इसको अगर ज़्यादा काम हुआ तो 15 दिन लगा, मिनिमम 8 दिन। अगर कम काम हुआ या ज़्यादा हुआ, अगर ऑल ओवर हुआ तो जो है पूरा महीना लग जाता है। और फिर धुलाई के बाद तो 2-4-8 दिन जो है उसमें लग जाता है। तैयार होके 1.5 महीने में से 2 महीने तक की हो जाता है एक पीस को तैयार होने। हमें तो बहुत अच्छा लगता है कढ़ाई करने में। कढ़ाई भी करो, घर पे भी रहो, बच्चों को भी देख लो, सारे काम हो जाते हैं।